नमस्ते जी, कैसे सभा? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। आपके लिए ग्रेटर मोहाली में एयरपोर्ट रोड में 4 BHK स्पेनिश विला लेकर आया हूँ। रेडी टू मूव में ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी मिलेगी। 1 मंथ पोजेशन है, चाहे आप ईस्ट फेसिंग ले लो चाहे वेस्ट फेसिंग ले लो। फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। जो विलास आपको दिया जाएगा, जो भी आप ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में चूज़ करोगे, वो रेडी टू मूव में प्रॉपर होगा। 1 मंथ पोजेशन है जिसकी। बाकी सोसाइटी गेटेड है हमारी, 3 गेट एंड टाउनशिप है। गेट नंबर 1 पे विलास है, 2-3 पे फ्लैट्स है, 82 सारे सेल आउट है। बाहर 36 शॉप्स हैं, सारी सेल आउट है। और मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, अपनी मेहनत की कमाई जमा पूंजी कहीं पे भी लगाओ, बस आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो सही होनी चाहिए। रेडी टू मूव पे इन्वेस्टमेंट करो, अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ भी मत लो कहीं से भी। और फैमिलीज रहती हो, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस कहाँ पे, आपकी जॉब है। अगर आप लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करोगे तभी रीसेल वैल्यू एक खड़ी रहेगी और बढ़ेगी भी। तब मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी। सर्च करो अच्छे से, 5-10 प्रॉपर्टी देखो खुद अपने फैमिली के साथ, अच्छे से सर्च करो, टाइम लगाओ, तो आपका जो ये वर्क होगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप जब 5-10 चीज़ें देख लोगे, खुद ही एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आपके सामने आ जाएगी, जो रेडी टू मूव में होगी। रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस कम होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा जिसमें प्रॉपर्टी में, और आप उसको चूज़ कर पाओगे। ये सोसाइटी अपनी बिल्कुल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इंडिविजुअल 2 मंजिल नक्शे इसके अप्रूव्ड है, लेआउट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड है। लास्ट में एल शेप में पार्क रहेगा अपना, बाउंड्री बैक साइड 8 फिट की हुई है। ये टावर है जो ये आप वीडियो में आ रहा होगा, ये अपनी बाउंड्री से बाहर है, बीच में इसका कोई लेना देना नहीं। वहाँ पे 1200 फिट और 800 फिट के 2 बोर हुए हुए हैं। और जो सबसे मेन चीज़ रहेगी, सीवरेज है, रेन वाटर स्टोन वाटर, ये देख रहे हो आप, रेन की दोनों तरफ प्रोविजनें रहेंगी, रेन की, और दोनों तरफ ढलान दी हुई है। जो बारिश का पानी है वो आपका इस रेन में चला जाएगा। और ये रेन वाटर सीवरेज, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बाहर रोड MC का, ये वार्ड नंबर हमारा 11 पड़ जाता है। ये पड़ जाता है हमारा सेक्टर 125 एयरपोर्ट रोड, और न्यू सनिन क्ले पड़ जाता है, MC के सीवरेज के साथ अटैच है, रेन वाटर स्टोन वाटर सीवरेज। और जो सबसे मेन चीज़ रहेगी, यहाँ पे कोई सोसाइटी ऐसी है ही नहीं जिसका मतलब कोई भी सोसाइटी सीवरेज रेन वाटर स्टोन वाटर कमेटी के साथ तो अटैच हैं, 5-10 सोसाइटीज़ हैं, बाकी यहाँ पे कम से कम भी 25-30 सोसाइटी हैं जिन्होंने अपना ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ अटैच नहीं। और जो सबसे मेन चीज़ मैं बोलनी चाहता हूँ, जो अपना ये पानी का रहेगा सिस्टम, वो फ्रेश वाटर का, अपना MC के साथ अटैच है लैन अंदर, MC का पानी भी आता है, पर हमने भी अपने बोरवेल कर रखे हैं। गर्मियों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो उस वजह से, बाकी आपके सामने है विलास हमारे। और एक चीज़ और है, जो हमारे विलास के सामने पोल नहीं लगे हुए, इलेक्ट्रिकल पोल, अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी, टोटली अंडरग्राउंड वायरिंग है। मीटर अपने गेट के लेफ्ट साइड पे जो वॉशरूम है, ये वॉशरूम इसलिए बनाया गया, आपके घर पे कोई काम वाली वगैरह आए तो आप उसको ये वॉशरूम यूज़ करवा सकते हो। इधर सिक्योरिटी गार्ड का कमरा है। ऐसे ही 3 गेट हमारे गेट नंबर 2 और 3 में बने हुए हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो अपने मीटर हैं वो बाहर बने हुए हैं, लगे हुए हैं सॉरी, और अंडरग्राउंड वायरिंग है टोटली। ये वायरिंग की होती है, वो सीवरेज की होती है, ये अपनी बड़े सीवरेज की होती रहेगी, ये रेन की होती है। ये है अपना विला सैंपल है जो, और जो बाकी विलाज है 1 मंथ पोजेशन वाले, उनमें कबर्ड्स सीलिंग बस पेंट के कोड रखे होते हैं हमने। और ये सैंपल हमारा सेल आउट है, जो आपको सैंपल के अलावा हम देंगे ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में। 89,90,000 प्राइस है। ये 22.5x45 साइज़ रहेगा, ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है, टॉप फ्लोर पे माउंटी है, आप इसको स्टोरेज कर सकते हो। 22.5x45 हो गया अपना 115 गज। जो बना है इसमें 4 बेडरूम प्रॉपर है, 4 अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम प्रॉपर है, 2 मॉलर किचन रहेंगी। फ्रंट एलिवेशन पे थोड़ा बहुत टाइल का वर्क है, ग्लास वर्क है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा ग्राउंड फ्लोर है एज एट इज फर्स्ट फ्लोर रहेगा। एंटर करते ही यहाँ पे कार पार्किंग एरिया है जो अपना, वो यहाँ पे
आप i20 कार और स्विफ्ट कार खड़ी कर सकते हो, 7 सीटर आएगी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो एरिया रहेगा इधर वाला, यहाँ पे टू व्हीलर दो तीन करीब आप खड़े कर सकते हो। जो फ्रंट है अपना 22.5, यहाँ पे आप 7 सीटर फॉर्चूनर अनोवा कुछ भी लगा सकते हो बाहर की तरफ। और जो सबसे मेन चीज़ है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है 10,000 लीटर का, जो एक 1,000 लीटर के टैंक है वो टॉप की मोंटी पे रखे हुए हैं हमने, इसीलिए टॉप पे नहीं रखे, प्रेशर नहीं बनता पानी का फर्स्ट फ्लोर पे फिर। और स्टेयर का एरिया स्पेशियस बहुत है अपना, ये मैं आपको दिखाऊंगा जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। अभी ग्राउंड फ्लोर हमारा जो है विला का सैंपल, इसमें चलते हैं। जाली के दरवाजे आपको ग्राउंड पे, फर्स्ट पे जो आगे और पीछे की बालकनी है फर्स्ट फ्लोर पे, सब जगह हमने दिए हुए हैं। गोदरेज का फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाएगा आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी और फर्स्ट फ्लोर पे भी। ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा स्पेशियस, प्लस यहाँ पे डाइनिंग का रहेगा। 4 सीटर है, 7-6 सीटर भी रख सकते हो आप, 8 सीटर नहीं आएगा यहाँ पे। 5 सीटर सोफ़ा है यहाँ पे, आप 3 करोड़ में आराम से 7 सीटर रख सकते हो। जैसा ग्राउंड फ्लोर है एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर रहेगा लेआउट में, और जैसा ग्राउंड बना हुआ है एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर है। ये तो हमारा सैंपल है, जो आपको देंगे उस चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। आपको कर्टन्स एंड फर्नीचर बीच में मिलेगा नहीं, जैसे बेड सोफे वगैरह और ये एसेसरी वगैरह मिलेगी नहीं। प्लान वॉल पे एज इट इज़ वर्क मिलेगा आपको, सीलिंग एज इट इज़ मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट। यहाँ पे मॉडलर किचन जैसी ग्राउंड पे बनी है एज इट इज़ ही फर्स्ट फ्लोर है, चिमनी चूल्हा नहीं है। अगर आप सैंपल लोगे इसमें तो सैंपल आपको 94,90,000 का पड़ेगा, जिसमें से हमने कुछ उठाना नहीं है। 5 लाख रुपये इसलिए हमने प्राइस बढ़ाया हुआ है, जो एक कर्टन्स वगैरह फर्नीचर वगैरह अंदर बेड बुट लगे हुए हैं वो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं जो विलाज अवेलेबल हैं सैंपल के अलावा, उनमें हम क्या क्या दे रहे हैं। जब स्टार्ट में मैंने बोला है कि कर्टन्स एंड फर्नीचर आपको मिलेगा नहीं, वॉल पे एज इट इज़ वर्क, सीलिंग विद प्रोफाइल लाइट, लाइटिंग एज इट इज़ मिल जाएगी। यहाँ पे मॉडलर किचन आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, चिमनी एंड चूल्हे के बगैर, ये आपको पैनल एज इट इज़ मिल जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे भी एंड फर्स्ट फ्लोर पे भी विद ग्लास और ग्लॉसी सरमाइका मिलेगा, अंदर भी सरमाइका वर्क है टोटली सारा। यहाँ पे ग्रेनाइट आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। अरोका की टैब मिल जाएगी आपको एज इट इज ही, और अरोका की बाथ फिटिंग है चारों वॉशरूमों में। बाकी स्पेशियस बहुत है किचन अपनी, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, क्योंकि इसका जो फ्रंट है वो 22.5 है, पीछे को भी ये 45.5 है। यहाँ पे 125-123 में लोग 22x40 में बना रहे हैं, 3 BHK 83-90-84-90 में बेच रहे हैं, यहाँ पे 4 BHK कंसेप्ट में है, और तभी बिक भी गए लोग भी तभी रह रहे हैं, क्योंकि 4 BHK में ही आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, 3 BHK में बात बनती नहीं है। ले लोगे तो बनाना पड़ेगा एक दिन, 4 BHK में ऐसा है कि कंप्लीट हो जाती है, जैसा मर्जी फंक्शन रख लो, रिलेटिव यहाँ पे रह लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 फैमिली शिफ्ट हो जाती हैं, ये बातें बाद में। ये जो स्पेस है अपनी, यहाँ पे जैसा मर्जी आप फ्रिज लगा सकते हो, ये देख ही लिया आपने। स्प्लिट एसी की प्रोविजनें ग्राउंड फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर पे एज इट इज मिल जाएगी। और जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है, इसका जो आउटर ऐसा नहीं है सस्ता काम किया कि बाहर निकाल दिया फ्रंट पे, इसका आउटर टॉप फ्लोर के रूफ पे निकाला हमने, जो इसका रेन है वो हमने बाहर निकाला है। और आपको ये वर्क है जो ये कारपेंटर वर्क है, और इस पे हमने रॉयल का एशियन पेंट यूज़ किया हुआ है, इसीलिए फिनिशिंग इतनी अच्छी है, नहीं वुडन के काम में आती नहीं है फिनिशिंग बढ़िया। ये है सिस्टम। मेन एंट्रेंस के डोर अपने सारे फ्लश डोर हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं, पर इनके ऊपर हमने टीक प्लाई लगाई हुई है, और जितनी विंडोज़ दरवाजे हैं और चुगाठे हैं सब पे पॉलिश वर्क है, कहीं पे भी आपको पेंट वर्क नहीं मिलेगा। ये तो था हमारा ड्राइंग रूम एंड मॉलर किचन। अब बेडरूम में चलते हैं, जो अटैच वॉशरूम के साथ अटैच है। सामने आपको एज इट इज वर्क मिल जाएगा, बैक पैनलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी, बैक साइड पे आपको ये ग्रुप वाली टीक प्लाई है, इसके ऊपर डिको किया हुआ है विद प्रोफाइल लाइट, मोल्डिंग एज इट इज मिल जाएगी, ये POP नहीं है, ये लकड़ी का काम है, सीलिंग विद प्रोफाइल लाइट एज इट इज मिल जाएगी। और जो सबसे मेन चीज़ रहेगी अपनी, बेडरूम एंटर करते मेरे को दिखानी चाहिए थी, दोबारा एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये स्पेस बहुत यहाँ पे बढ़िया है, बैक पैनलिंग में डिको किया हुआ है, और यहाँ पे पॉलिश की हुई है टीक प्लाई के ऊपर,
सामने आपको एलसीडी पैनल, ड्रेसिंग विद ग्लास, मोल्डिंग, वॉल पे एज इट इज वर्क आपको मिल जाएगा। कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम मिल जाएंगे, अटैच वॉशरूम के साथ। 2x4 की वॉल टाइल रहेगी। और जो सबसे मेन चीज है, इसको दिखाता हूँ, ये जितनी चुगाठे हैं ना सारी सुडान टीक की है। विंडोज भी, दरवाजे अपने फ्लश डोर हैं जिनके ऊपर टीक प्लाई है, उनको छोड़ देता हूँ। विंडोज एंड चुगाठे सुडान टीक, प्रॉपर सुडान टीक है, जो कम से कम भी इस टाइम पे 2500 रुपये स्क्वेयर फिट रहेगी। और सब पे पॉलिश वर्क है, जैसे मैंने बताया, ये रेशे तभी बनते हैं अगर टीक हो, नहीं रेशे नहीं बनते, ना हॉलक में बनते हैं, ना मरंडी में बनेंगे, किसी भी लकड़ी में नहीं बनेंगे। और सीलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी। सीलिंग हमने वॉशरूम तक कर रखी है। 2x4 की वॉल टाइल है, हमने काट के डिजाइन बनाए हुए हैं इनके। और वॉल हैंगिंग सीट है, वॉल हैंगिंग शंक रहेगा। रोका की यहाँ पे बाथ फिटिंग रहेगी प्रॉपरली, रोका की टैप्स है, रोका के ही शंक रहेंगे प्रॉपरली। और यहाँ पे वेंटिलेशन आपको चारों वॉशरूमों में सेम जगह पे मिल जाएगी। आपके सामने है जो वर्क है, और बेडरूम्स में, चारों बेडरूम्स में सेम कबर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ये तो मैंने बता ही दी है, वॉल्स पे एज इट इज वर्क मिलेगा, इधर वॉल पे एज इट इज वर्क मिलेगा, बैक पैनलिंग मिलेगी। सैंपल लोगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक आपका ही है, बगैर सैंपल में यहाँ से लेके बेड नहीं है, बैक पैनलिंग मिल जाएगी। वैसे जो मैंने वर्क बोला है, ये मैं इसको अभी कर्टन्स लगे हुए हैं, हलाना नहीं है इसको, मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ, उधर बेडरूम दिखाऊंगा, बालकनी में जाना है फिर। बाकी ये सामने वेंटिलेशन बहुत बड़ी बड़ी है, उधर वाली दिखाता हूँ, बैक वाली, इधर वाली अपने फ्रंट की देख ली है। ये मॉलर किचन की है, हमने ना एक चीज़ बहुत बढ़िया की हुई है कि ग्राउंड फ्लोर पे तो हमने कर्टन्स एंड फर्नीचर लगाए हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी है कर्टन्स, फ्रंट पे हैं, पर सारे विला में हमने लगाए नहीं है, उसमें वेंटिलेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे स्पेस अच्छी है, जैसे मैंने बताया सारे विलाज में हम ये बैक पैनलिंग दे रहे हैं आपको, एज इट इज़ मिल जाएगी। यहाँ से लेके वहाँ तक बेड आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। 2x4 की वॉल टाइल आपको एज इट इज मिल जाएगी, रोका की बाथ फिटिंग मिल जाएगी आपको एज इट इज ही, ठीक है जी। ये वॉशिंग एरिया अपना स्पेशियस, यहां से ये है वॉशिंग एरिया। दोनों बेडरूम्स की विंडोज बैक साइड पे रहेंगी ग्राउंड फ्लोर, एंड दोनों वॉशरूम की वेंटिलेशन बैक साइड पे है। बैक टू बैक बालकनी है, स्पेस अच्छी है, रोशनी पूरी यहाँ पे प्रॉपरली आती है। और बाकी आपके सामने ही है सारा सिस्टम। ये तो था अपना स्पेनिश विला 4BHK का ग्राउंड फ्लोर। अभी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, एज इट इज ही बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, बैक बालकनी, आपने देखो वीडियो आगे पीछे कुछ नहीं करनी, लास्ट तक जाना है। बाकी को लोगों की तरह मैंने ऐसे ऐसे हला हाथ नहीं हलाने आप वीडियो के सामने आके, लाइव वीडियो है, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के, अपनी ज़िंदगी जो आपकी चल रही है, आपने स्ट्रगल करके अपनी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी लगाओगे है ना कहीं पे भी, तो उसमें जॉब हार्ड बिजनेस करके आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, उसमें से कीमती टाइम निकाल के आपने हमारे पास आना है। और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, आओ ना आओ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सक्राइबर करो, व्यूज़ बढ़े ना बढ़े मेरे, अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, बस मैं ये चीज़ बोलनी चाहता हूँ कि आपकी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी आपने सारी ज़िंदगी की है ना, घर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लैंड लॉर्ड होगा 2 बार ले लेगा, पर उसके बाद फिर जो है सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग जाती है और ऑप्शन नहीं रहती। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी रिलेटिव की, लोकल जो आपके रिलेटिव रह रहे हैं उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी करो। किसी ने भी कोई रेट लैंड की परचेजिंग और लोकेशन के हिसाब से ही बिल्डर ने रखे हुए हैं, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब सारा सिस्टम सुधर चुका है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ भी आप छोड़ दोगे हेल्प के चक्कर में, फैमिलीज के साथ आओ, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300 जो भी आपकी कैपेसिटी है भाई, जितनी मर्जी चीज़ें देखो और खुद डिसीजन लो। जब 2-4 चीज़ें देख लेते हो ना, तो एक बेस्ट ऑप्शन निकल के, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला है, आपके सामने आ जाती है। तो वो चीज़ है अपना भाई, बहुत आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके इस चीज़ को आप चलो, इस चीज़ में बढ़िया रहोगे।
मतलब एक चीज़ मैं बोलनी भूल गया, वीडियो के लास्ट तक जाना है, बाकी यूट्यूबरों की तरह मैंने आगे आके वो चीज़ करनी नहीं है। और मैं दिखाता हूँ लाइव वीडियो, ये तो काट काट के भी नहीं बनती, दरवाज़ा भी खुलता है, डोर भी खुलता है, लॉक भी खुलता है, अंदर से बाहर भी जाऊँगा, ग्राउंड से ऊपर भी जाऊँगा आपके लिए, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आना है हमारे पास, वो चीज़ है। तभी मैं हमारा मेरा सिस्टम ही और है, मैं चाहता हूँ कि आप जब आओ तो 90% आपकी तसल्ली हो पाए, बस आपने लोकेशन और एक बार अपनी आंखों से सैंपल और मटेरियल ही चेक करना है। ये फर्स्ट फ्लोर है, स्टेयर का एरिया अपना, स्पेशियस है पूरा, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे पावर पैनल दिया हुआ है, एलटी के स्विचेज है, एलटी की ही फिटिंग है सारी, यहाँ पे भी एलटी का ही लगा हुआ है, ये लोगो है, ठीक है जी। केबल की पाइपिंग है सारी, ये पैनल इसलिए लगाया है, यहाँ पे आप सब मीटर लगा सकते हो। रेंटल 22,000 पे फर्स्ट फ्लोर है, 20,000 पे ग्राउंड फ्लोर रहेगा। पासवर्ड मैं दिखा नहीं सकता आपको, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, जल्दी जल्दी करेंगे वीडियो क्लोज। नीचे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक होगी, फ्लोर टाइल दिखानी भूल गया, 2.5x 5.5 की फ्लोर टाइल है, यहाँ पे 4x4 की है, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग रूम है, मॉलदार किचन रहेगी एज इट इज़, सीलिंग यहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगी आपको फर्स्ट फ्लोर पे, ये मिलेगा सिस्टम, ठीक है जी। मॉलर किचन जैसे मैंने बोला था, चिमनी चूल्हा के वगैरह आपको मिल जाएगी, सैंपल भी अवेलेबल है। लोगों की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि सोसाइटी में सैंपल ही मिल जाए, 94,90 का सैंपल है, उसमें भी बढ़िया डिस्काउंट कर देंगे, 89,90,000 के हमारे ये विलाज हैं। फ्रंट एलिवेशन की बालकनी से और ज़्यादा बढ़िया चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पार्क है लास्ट में, वो देख रहे हो आप, ये वाले ये फ्लैट्स हैं, यहाँ पे बाउंड्री है इनकी भी, हमारी भी यहीं पे है, 1, 2, 3, 4 ऐसी लाइनें बनी हैं, टोटल 82 फ्लैट्स हैं। और जहाँ पे मैं ये जॉब कर रहा हूँ बिल्डर के पास, बहुत बढ़िया इनका सिस्टम है, मेरे को 5वां साल है, कंपनी का 8th प्रोजेक्ट है, टोटल 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, और हमारे पास 150 गज में 1,55,00,000 रुपये में विलास भी अवेलेबल है, और 180 गज में 1,85 के, जिनमें डिस्काउंट पार्ट अच्छा है, आओ एक बार देख रहे हैं। 5BHK विद सर्वेंट रूम आपको मिल जाएंगे, ये 4BHK स्पेनिश मिला, 89,90,000 में मिल जाएगा। देखो जी, लैंड की परचेजिंग और लोकेशन है, अगर खरड़ में ये चीज़ होती तो 6,490 या फिर 7,590 में आपको मिल जाती 4BHK कंसेप्ट में। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लैंड की परचेजिंग के हिसाब से रेट है, ये एयरपोर्ट रोड है खरड़, आपको पता है यहाँ से कम जी 8 किलोमीटर अपनी साइड से तो नौ ही होगा जो आगे जाके, ग्रेटर माली में हम बैठे हैं, यहीं पे लेना स्टार्ट कर दो। कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है जो सर्च कर रहा है हिमाचल का, जम्मू का, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 स्टेट ही हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, खरड़ को छोड़ दो, वहाँ पे ट्रैफिक इशू बहुत है, रेंटल इधर ज़्यादा है। वहाँ पे ना एक चीज़ है, वहाँ पे रेंटल है पर स्टूडेंट है, वहाँ पे फैमिली आपको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, वो रेंट ही नहीं दे पाएगी इतना, यहाँ पे फैमिली भी रेंट देती है क्योंकि अच्छे पैकेजेस हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे जिन्होंने 6 महीने 7 महीने रहना है, कि कहीं पे पोजेशन लेनी है, हाई राइज लिया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ है, 4BHK विला लिया हुआ है, उन लोगों ने यहाँ पे आपको रेंट पे करना है, आराम से पे करते हैं, जितना स्टूडेंट उधर देता है यहाँ पे 2 बंदे फैमिली वाले दे देते हैं, पैकेजेस 1.5-2 लाख रुपए के हैं लोगों के। यहाँ पे आईटी पार्क के जो, क्योंकि आईटी सिटी सेक्टर स्टार्ट हो जाता है ना, एयरपोर्ट रोड की मेन एंट्रेंस जहाँ पे गोपाल स्वीट्स वीआर पंजाब मॉल है, तो यहाँ से बात करें कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके पास फर्नीचर भी होता है, काम करने वाले जो बच्चे हैं, तो आपको विदाउट फर्नीचर चढ़ेगा वहाँ पे, फर्नीचर 2-2.5 लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो सबसे मेन चीज़ है, देखो जी मैं कोई बातों में नहीं आपको घुमा रहा, खरड़ के प्राइस हैं 75,90 से स्टार्ट है, इससे बढ़िया आप एयरपोर्ट रोड ग्रेटर मोहाली में इन्वेस्टमेंट करो, बाकी जैसी आपकी इच्छा, जहाँ पे आपका दाना पानी है जाना वहीं पे है आपने। स्प्लिट एसी की प्रोविजनें हैं, 4 बेडरूम्स में हैं, नीचे मैं दिखाना ही भूल गया, रेन तो हमने वहाँ पे छोड़ा हुआ है,
ये दिख रहा होगा। और इसका आउटर हमने यहाँ पे निकाला नहीं हुआ, सस्ता काम नहीं किया हुआ, इसका आउटर टॉप के रूप पे है। ये विंडो की बात कर रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे भी एज अटीजी बनी हुई है, अंदर भी सरमाई कवर करेगा टोटली। डार्क ब्राउन एंड क्रीमी मैट, उधर व्हाइट एंड ग्रे है, ग्राउंड फ्लोर पे भी एज अटीजी है। एलसीडी पैनल के डिजाइन अलग अलग हैं, ग्राउंड फर्स्ट पे चारों बेडरूम्स में, बस कबर्ड सेम है, कबर्ड आपके सामने है, अंदर भी सरमाइका वर्क है इसमें। ठीक है जी, ये हमारा आ जाएगा। वीडियो मैं करता हूँ बंद, आने से आधा घंटा पहले कॉल करनी है सनी की, मेन एंट्रेंस पे एयरपोर्ट रोड पे आके फोन नहीं करना, स्टाफ कम है, काम ज्यादा है, तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई क्लाइंट यहाँ पे आए उसको 15 से 5 मिनट भी वेट करनी पड़े, आधा घंटा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम जितना मर्जी आपके लिए खड़े रहें वो कोई दिक्कत नहीं, हमारी जॉब है, आप वेट नहीं कर पाओगे, फैमिली के साथ दिक्कत आ जाती है, आने से पहले एक दिन पहले कॉल करो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आ भी रहे हो तो आधा घंटा पहले कॉल करनी है कि आपके आने से 5-10 मिनट पहले मैं वहाँ पे लोकेशन पे अपनी पे खड़ा हो जाओ, क्योंकि साइड की हमने इसलिए नहीं भेजते। सर मैम कोई भी वीडियो देख रहा है, पता क्या चक्कर है, सिस्टम बदल जाता है, आप पहुँचते नहीं हो साइड पे, लोकेशन ना घुमा देती है, फिर हम आपको ढूंढते रहते हैं, इसी चीज़ में टाइम ख़राब हो जाता है। टॉप पे हमारा ये मोंटी है, थोड़ी बहुत इसको आप स्टोरेज कर सकते हो, स्टेयर का एरिया मैंने दिखा दिया, फ्रंट एलिवेशन आपने देख ही लिया। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, जब मर्जी आओ विजिट करने के लिए। मेरी तरफ से गुड विश रहेगी, जहाँ से सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिलेगी।